स्वागत है आपका विलासा कृषि कोचिंग के YouTube चैनल में। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सारे जो डाउट रहेंगे सॉइल प्रोफाइल से यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो तक को लास्ट तक जरूर देखें। तो सॉइल प्रोफाइल, जनरली आपने सॉइल प्रोफाइल देखे होंगे, जो गाँव वगैरह रहते हैं तो जो कच्चा कुआँ रहता है उसमें आप देखना सॉइल जो रहता है, मतलब भूमि जो रहता है, वो अलग 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 लेयर में रहते हैं और सबका जो कलर रहेगा वो अलग अलग रहते हैं। तो वही क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। अब सॉइल प्रोफाइल में एक तो आता है होरिजन आता है, दूसरा जो आता है कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो जो वर्टिकल जो डिफरेंट टाइप के जो सॉइल होरिजन रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो होरिजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डिफरेंट जो होरिजन होते हैं, ठीक है, और कौन सा में, वर्टिकल में, कैसा में, वर्टिकल। तो वर्टिकल में आपको दिख रहा होगा ये जो रहता है वर्टिकल रहता है, तो डिफरेंट जो होरिजन रहता है वर्टिकल, उनसे मिलके क्या बनता है, सॉइल प्रोफाइल बनता है। क्या बनता है, सॉइल प्रोफाइल बनता है। और ये जो आपको दिख रहा होगा होरिजेंटल, ये जो आपको दिख रहा होगा होरिजेंटल, इन्हीं को कहा जाता है क्या, होरिजन। ये सारे चीज़ जो आपको दिख रहा होगा क्या, कि ये जो होरिजेंटल दिख रहा होगा वही क्या कहलाता है, होरिजेंटल है, इसीलिए होरिजन, क्या है, होरिजन, ठीक। तो ये जो अलग अलग होरिजन मिल के क्या बनते हैं, सॉइल प्रोफाइल मिलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये टॉप वाला दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है ओ होरिजन। क्या कहते हैं, ओ होरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ होरिजन कहते हैं। इसको कहते हैं ए होरिजन। इसको क्या बोलते हैं, ए होरिजन। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बी होरिजन, बी होरिजन। और ये जो है, ये है सी होरिजन। क्या है, सी होरिजन। और ये नीचे वाला जो रहता है, इसको कहा जाता है रिगोलिथ। क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। और इसी को कहा जाता है बेड रॉक। क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड रॉक कहा जाता है किसको, नीचे वाला जो रहता है उसको कहा जाता है क्या, बेड रॉक कहा जाता है। अब ये है कि ओ होरिजन कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट का जो दिख रहा होगा, ये जो ओ होरिजन होते हैं, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो सिर्फ पाए जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। कहाँ पे, फॉरेस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर का ओ होरिजन होते हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल में पाए जाते हैं इस, और ये ओ होरिजन में ऑर्गेनिक के जो मैटर की जो मात्रा होते हैं बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ओ होरिजन को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक होरिजन भी कहा जाता है। क्या कहता है, ऑर्गेनिक होरिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक होरिजन कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, फॉरेस्ट ओनली। कहाँ पे, ओनली फॉरेस्ट जो एरिया है सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, इसीलिए इसको और क्या कहते हैं, इसको इसीलिए और कहते हैं वर्जिन सॉइल, ठीक है। जो वर्जिन सॉइल रहता है उनमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वर्जिन जो सॉइल होता है उनमें जो ओ होरिजन होता है वो पाया जाता है, किसमें, वर्जिन सॉइल में। ये कहाँ पाया जाता है, ओ होरिजन जो होता है वर्जिन सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो एरेबल सॉइल होते हैं, एरेबल सॉइल, ठीक है, तो एरेबल सॉइल में ये नहीं पाए जाते, एरेबल सॉइल में नहीं पाया जाता। एरेबल सॉइल क्या होते हैं, तो एरेबल सॉइल मतलब होता है जहाँ पे टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, टिलेज ऑपरेशन करते हैं वो जो सॉइल कहलाता है एरेबल सॉइल। और वर्जिन सॉइल जहाँ पे टिलेज ऑपरेशन नहीं करते, तो जहाँ टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं वहाँ पे ओ होरिजन पाया जाता है। तो ओ होरिजन जो होता है सिर्फ फॉरेस्ट जो सॉइल है उसी में ही बस पाया जाता है। उसके बाद आता है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर की ज़्यादा रहता है इसीलिए इसको ऑर्गेनिक होरिजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है ए होरिजन। क्या कहते हैं, ए होरिजन। तो टॉप मोस्ट मिनरल्स जो होरिजन है, कौन सा, टॉप मोस्ट, ठीक है, टॉप कौन सा है, तो टॉप जो रहता है वो कौन सा होरिजन है, ए होरिजन। क्वेश्चन आता है कि टॉप होरिजन कौन सा है, ओ होरिजन, ए होरिजन, बी ऑप्शन में रहेगा। तो वहाँ पे जब तक क्या है कि फॉरेस्ट वर्ड नहीं जुड़ा है तब तक क्या होगा, ए होरिजन, ठीक है। अगर फॉरेस्ट वर्ड जुड़ गया है कि फॉरेस्ट का टॉप होरिजन कौन सा है, तो उसमें आप क्या डालना, ओ डालना। लेकिन फॉरेस्ट वर्ड नहीं, सिर्फ क्या है, टॉप होरिजन कौन सा है, तो टॉप होरिजन होता है ए होरिजन। कौन सा होता है, ए होरिजन होता है टॉप।
और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लीचिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ए होरिजन होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं, लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब ऊपर के जो सॉइल, ऊपर के जो न्यूट्रिएंट वगैरह रहेंगे वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, ऊपर का जो जितने भी ए होरिजन में क्या रहेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं, या अमोनियम या जो आयरन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड या जो क्ले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ए होरिजन से बी होरिजन में आ जाते हैं। ए होरिजन से कहाँ जाते हैं, बी होरिजन में आ जाते हैं। यही जो प्रोसेस है वो कहलाता है एलुविएशन। क्या? एलुविएशन, ठीक है, एलुविएशन। ठीक है, क्या बताया मैंने, ए होरिजन से जो भी जैसे अमोनियम या जो आयरन ऑक्साइड क्ले वगैरह रहते हैं वो लीचिंग के थ्रू कहाँ पे आ जाते हैं, बी होरिजन में। कहाँ पे आ जाते हैं, बी होरिजन में। तो इसी को कहा जाता है क्या, इस प्रोसेस को एलुविएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलुविएशन। एक और टर्म होता है, दोनों बहुत कन्फ्यूज कर रहे हैं। एलुविएशन कहाँ हो गया, कि ए से जो मतलब न्यूट्रेंट वगैरह हो गया या ये सारी चीज़ कहाँ पे बी में आ रहे हैं वो क्या कहलाता है, इल्यूविएशन। या इस चीज को और क्या टर्म से यूज करते हैं, वाशिंग आउट। मैक्सिमम वाशिंग आउट कहाँ होता है, तो ए होरिजन में होता है। कहाँ पे होता है, ए होरिजन में ही होता है। और ये जो ए होरिजन रहता है, अन्य जितने भी मतलब नीचे में आपको जितने बी और सी हो गए उनके कंपेयर में ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं डार्कर। ठीक है, डार्क कलर रहते हैं, डार्कर यानी डार्क कलर के होते हैं कंपेयर टू बी सी, या जो नीचे के जितने भी लेयर है उसके कंपेयर में ये डार्क होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, डार्क होते हैं। ये जो ओरिजिन होता है वो डार्क होता हो, और इसको और कभी कभी क्या कह देते हैं, इसको बोल देते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल या सरफेस, सरफेस सॉइल। समटाइम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एलुवियल सॉइल या सरफेस सॉइल बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल टॉप में रहता है और सरफेस ऊपरी सरफेस। ठीक है, और ये जो ओरिजिन रहता है वो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही पाया जाता है। और मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है उसका मैक्सिमम वहाँ ए होरिजन से बी में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन बोलते हैं, या बोल देते हैं क्या, वाशिंग आउट। वाशिंग, वाश मतलब धुलना, मतलब लीचिंग के थ्रू वहाँ से बाहर हो रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, बी होरिजन में। कहाँ पे आ रहा है, बी होरिजन में। ठीक है, मतलब नीचे में चला जा रहा है। अब इस ए होरिजन को तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको कितने भागों में, तो तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम बोल सकते हैं ए वन, पहले को हम क्या बोल सकते हैं, ए वन। ठीक है, पहले को क्या बोल सकते हैं, ए वन होरिजन। दूसरे को हम बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोल सकते हैं ए टू। ठीक है, तो ए होरिजन जो रहता है टॉप मिडल, सबसे ऊपर वाला जो सॉइल रहता है वो ए होरिजन ही होता है। और बी होरिजन मतलब ये वाला जो दिख रहा होगा, मतलब ये ए टू, सॉरी ए टू जो होरिजन है, तो मैक्सिमम जो ये जो ये अमोनियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इन ऑक्साइड का जो वाशिंग आउट हो रहा है तो वो ए टू से होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलुविएशन कहते हैं। इसीलिए इसको ई होरिजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ई होरिजन बोल देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लीचिंग, जो वाशिंग आउट कहाँ पे हो रहा है, ए टू में हो रहा है, और इस प्रोसेस को एलुविएशन कहते हैं। इसीलिए इसको और क्या कह देते हैं, ई होरिजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, ई होरिजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ई होरिजन कह देते हैं। ठीक, उसके बाद हो गया ए टू, और ए उसके बाद आता है ए थ्री। कौन सा, ये वाला जो पोर्सन है उसको बोलते हैं ए थ्री। ठीक है, ए थ्री बोल देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ए ई बोल देते हैं, और इसी को और क्या बोल देते हैं, ए और बी भी कहा जाता है। इसको और क्या होरिजन बोलते हैं, ए बी, ए ई या ए थ्री भी इसी होरिजन को कहते हैं। मतलब ये ए वन हो गया, ए टू हो गया, और ये ए थ्री हो गया। तो ए थ्री जो है, ए थ्री का क्या काम है, तो ये जो बी होरिजन है और ए होरिजन है, तो दोनों का जो ट्रांजिशन है, मतलब दोनों को मिलाने वाला कौन सा होरिजन है, तो ए थ्री है। कौन सा है, ए थ्री है। बी और ए को मिलाने वाला कौन सा होरिजन है, तो ए थ्री होरिजन है। कौन सा होरिजन है, ए थ्री होरिजन है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है बी होरिजन। तो जहाँ ए से क्या हो रहा था, मैक्सिमम जो ये चीज़ हो रहा था क्या, कि एल्युमिनियम हो गया और आयरन ऑक्साइड नीचे आ रहे थे, उस प्रोसेस को एलुविएशन कहते हैं।
ठीक है। और जहाँ आके रुक रहे हैं, जिस होरिजन में आके रुक रहे हैं, कौन से होरिजन में, बी होरिजन में, उसको कह देते हैं इस प्रोसेस को इलुविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलुविएशन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, बट दोनों का स्पेलिंग, इसमें ई है और इसमें आई है, ठीक है। और ये क्या है, वाशिंग इन है, क्या है, वाशिंग इन है, और वो क्या है, आउट है, मतलब ए से आउट होके कहाँ आ रहा है, बी में, ठीक है। तो जहाँ पे ए से आके जो न्यूट्रेंट वगैरह रहते हैं या जो अमोनियम ऑक्साइड वगैरह हो गए, ये आके रुक रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेलिएशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाशिंग इन की, वाशिंग इन जो होता है वो किस ओरिजन में होता है, तो बी में होता है। वाशिंग आउट किस में होता है, तो वो होता है किस में, ए ओरिजन में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वाशिंग इन किस में होता है और वाशिंग आउट किस में होता है, ठीक है। वाशिंग इन किस में होता है और वाशिंग आउट किस में होता है। इसमें जो मैक्सिमम चीज का जो कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, ठीक है, इन सब चीज का डिपोजिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जमाव होता है। इसका अमोनियम ऑक्साइड हो गया जो आयर है वहाँ, यहाँ पे जमाव होता है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी, इसमें क्या है, टिलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इस होरिजन में, कौन होरिजन में, बी में, क्या होते हैं, टिलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बी होरिजन में टिलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते। और बी होरिजन को क्या कहा जाता है, सब सॉइल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सब सॉइल किस होरिजन को कहा जाता है, तो सब सॉइल जो है वो बी होरिजन को कहा जाता है। किस होरिजन को कहा जाता है, बी होरिजन को कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो उसका जमाव होता है कहाँ पे, तो एरिड रीजन में, कहाँ पे, एरिड रीजन में, कहाँ पे होता है, एरिड एरिया, ठीक है, एरिया में होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सी होरिजन, और ये एक चीज़ को, इसको और बांट सकते हैं हम लोग, ए बी वन और बी टू दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, बी वन और बी टू, ठीक है, एक को पहला को बोल देते हैं बी वन और इसको बोल देते हैं बी टू। तो एक क्वेश्चन और ये आता है कि ए और बी को जो मिलाते हैं कौन सा, तो बी वन, मतलब बी वन से ए थ्री और बी टू में जो ट्रांजिशन है, दोनों का मिलने का काम कौन सा करता है, तो ए बी को मिलाने वाला जो है ए थ्री और बी वन है, ठीक है। और बी टू और सी को मिलाता है, मतलब सी और बी को मिलाने वाले को क्या बोल सकते हैं, बी टू, ठीक है। मतलब ये इस तरह से क्या बोल सकते हैं, ए बी वन जो होता है वो किसका किसका है, ए और बी का ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है, मतलब ए और बी किसके थ्रू मिलते हैं, इसके थ्रू मिलते हैं। और बी टू जो है, बी टू जो है ये है बी और सी के बीच में मिलते हैं, बी और बी एंड सी दोनों को मिलाने का काम ये करता है, बी वन जो है इसका इसका करता है और ये इसका करता है, नीचे वाला जो है। और जो सी होरिजन है, ठीक है, यहाँ पे पैरेंट मटेरियल पाया जाता है और यहाँ पे जो वेदरिंग प्रोसेस है वो चलते रहता है। सी होरिजन में जो वेदरिंग प्रोसेस है वो चलते रहता है और यहाँ पे होरिजन, मतलब ये जो होरिजन रहता है, यहाँ पैरेंट मटेरियल रहते हैं, कौन सा, पैरेंट मटेरियल रहते हैं। और इसको सम टाइम क्या कहा जाता है, तो इसको हाई बल्क डेंसिटी कहा जाता है। सम टाइम इसको सी होरिजन को क्या कहते हैं, सी होरिजन को कहते हैं हाई बल्क डेंसिटी। इससे आपको तो पता चल गया होगा कि जितना हम लोग नीचे जाते हैं, बल्क से डेंसिटी जो होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसको सी होरिजन को क्या बोल देते हैं, कभी कभी हाई बल्क डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है, कौन सा होरिजन बोल देते हैं, हाई बल्क डेंसिटी बोल देते हैं। अब ये है कि ए और बी को जो मिलता है, ठीक है, ए और प्लस बी दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सोलम, क्या बोल देते हैं, सोलम, मतलब ए और बी ही सॉइल है, क्योंकि सोलम जो है एक लैटिन वर्ड है, सोलम क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्लोर, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर। और ए बी प्लस सी मिला के क्या होता है, तो री गो लिथ, क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। ए बी सी तीनों मिल जाता है तो रिगोलिथ बोलते हैं, और ए बी जो मिल जाता है उसको सोलम कहते हैं, या सोलम प्लस सी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोलम प्लस सी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिगोलिथ, मतलब उसको क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। और एक और चीज़ आता है फरोस्लाइस। फरोस्लाइस क्या होता है, तो जितने डेप्थ तक हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो जो टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो जितने गहराई तक हम करते हैं, तो जैसे जैसे टिलेज ऑपरेशन होते जाता है तो ये दो भागों में डिवाइड होते जाए, वही क्या कहलाता है, फरोस्लाइस कहलाता है। क्या कहलाता है, फरोस्लाइस कहलाता है। और एक मतलब क्वेश्चन आता है कि एक हेक्टेयर फरोस्लाइस का वजन कितना होता है, तो एक हेक्टेयर फरोस्लाइस का जो वजन होता है वो होता है 2.25 × 10⁶ kg/ha, इतना उसका वजन होता है। किसका, फरोस्लाइस का, किसका होता है, फरो जो स्लाइस होता है, फरोस्लाइस, ठीक है, क्या होता है, फरोस्लाइस का वजन कितना होता है, 2.25 × 10⁶ kg/ha, एक हेक्टेयर का वजन इतना होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।